हाय गाइस, वेलकम बैक रोहित राडे चैनल। तो दोस्तों, आप लोग सोचते हैं कि मोचर दाढ़ी क्यों छिला दिया यार, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। तो आज हम आ गए हैं जमशेदपुर होंडा डुओ होंडा शोरूम, और यहां मैं आज आपको 2020 बेसिक्स मॉडल होंडा 2.0 199 सीसी का रिव्यू करने वाला हूं। और मैं आज आपको चार कलर में आपको दिखाने वाला गाइस। सबसे बेस्ट कलर आप देख रही है, ब्लू कलर सबसे बेस्ट लग रहा है। और मैं आज आपको चारों कलर का कुछ सिनेमैटिक शॉट भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले गाइस, अगर मेरा चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो कि मेरा वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। तो चलो अभी वीडियो स्टार्ट कर। तो सबसे पहले गाइस, सिनेमैटिक शॉट आप देखिए ब्लू कलर का। तो आप देख लीजिए तो थोड़ा सा सिनेमैटिक शॉट। गाइस आप देख लिए सिनेमैटिक शॉट आपको कैसा लगा ब्लू कलर का। तो और एक मैं कलर आपको दिखाता हूँ, ब्लैक एंड ग्रे कलर, ये भी आप देख लीजिए, इसका भी थोड़ा सिनेमैटिक शॉट। दिखाने वाला मैट ग्रे कलर, ये भी कलर सबसे बेस्ट कलर। चलो मैं आपको अभी इसका दिखाता हूं सिनेमैटिक शॉट। तो गाइस आप देख लिए तीनों का सिनेमैटिक शॉट। तो आज मैं आपको फुल दिखाने वाला हूं वॉक अराउंड एंड इसका फुल वीडियो। ये है मैरून कलर, जो मैट कलर आप देख रहे ग्रे कलर का। चलो आपको इसका पहले फुल दिखाते हैं, इसका डिटेल्स एंड इसका वॉक अराउंड और इसका क्या कीमत है। ओनर जमशेदपुर का, और उसमें आपको फाइनेंस में लेना, डाउन पेमेंट आपको कितना देना पड़ेगा, तो महीना का क्या आपको मिलेगा इसमें MI। तो चलो देखते हैं और पहले इसका व्यू आपको मैं दिखाता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं मैं आज इसका फुल रिव्यू करने आ रहा हूँ मैरून एंड ग्रे कलर में। आपको सबसे पहले कलर कैसे लग रहा गाइस कमेंट करना। मैं आपको चारों कलर दिखा रहा था, तो तीन कलर में पहले आपको मैं दिखा चुका हूं। तो तीनों में से आपको कौन सा कलर बेस्ट लगा और ये कलर आपको कैसा लग रहा। तो ये रहा होंडा 2.0, आपको मिलता 184 सीसी, जो 199 सीसी को बोला जाता है। और जो इसका बात करते पावर आपको मिलता है बेस, इसका जो 17.26 इसका BHP है, 8500 इस बाइक में मिलता है आपको RPM। गाइस इसमें आपको 5 गियर मिल जाता है, एंड जो इसका वेट है इसका 142 kg है गाइस, इसका जो वेट मैं बता रहा हूँ। और इसमें आपको सिंगल चैनल मिलता है, ABS 5 गियर मिल जाता है, एंड आपको पीछे डिस्क मिलता है, और आपको मिलता है आगे डिस्क, लेकिन आपको सिंगल चैनल मिलता है ABS। तो लुक्स आप देख लीजिए, कलर सबसे बेस्ट कलर है जो आप देख रहे हो ग्राफिक, और इसका जो मैरून कलर, और मैं आपको बता रहा हूँ इसका जो कलर जो आप देख रहे हैं ग्रे कलर सबसे बेस्ट, ये कलर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो गाइस आप लोग कमेंट करना कि आपको चारों में से कौन सा कलर बेस्ट लगा। और ये मेरा पास चाबी है गाइस, तो अभी मैं इसको चलो स्टार्ट करके दिखाता हूँ, मतलब इसका लाइट आपको मैं जला के दिखाता हूँ। तो पहले इसका लुक्स देख लीजिए, आपको पीछे आपको DRL लाइट मिलता है, आपको इंडिकेटर जो आपको मिलता है LED लाइट, पीछे आपको टायर मिलता है 140 का गाइस मिल जाता, कितनी बड़ी चरी 140 70 एंड 70 का टायर है गाइस आपको मिलता है। हमारे आपका टायर गाइस, ये टायर मुझे बहुत पसंद आया, इसका जो आप देख रहे चौड़ाई किस तरह से इसका, जो ये आपको मिलता है यहाँ साइड में मिलता है स्टिकर, जो देखने में लुक्स इसमें अच्छा लगता है। पीछे आपको नहीं मिलता है ABS, आपको पीछे आपको डिस्क मिल जाता है, और इसका फुटवेट भी बहुत बढ़िया जो कंपनी बनाया होंडा ने बनाया। और ये देखिए आपको साइलेंसर छोटा सा आपको मिलता है साइड में, लुक्स थोड़ा अच्छा लग रहा है। और यहाँ आपको मिलता है छोटा सा कवर जो साइलेंसर के ऊपर गाइस, तो लुक्स में एक नंबर आपको इसमें मिलता है। पहले जो आता था होंडा आपको इसमें सिंगल सीट मिलता है, इसमें आपको डुअल सीट मिलता है गाइस, सीट बहुत ही कम्फर्टेबल एंड प्लेन एंड राइडर को मिल जाता है, जो कलर मुझे अच्छा लग रहा है। आप देख रहे कलर सबसे बेस्ट कलर गाइस में दिखा रहा। टंकी के सामने आपको मिलता है यहाँ आपको कार्बन ब्लैक में गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ कुछ लुक्स। और यहाँ आपको मिलता है चाबी का, आपको स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ आपको मैट फिनिश में मिलता है मैरून कलर में, और यहाँ से आपको मिलता है ग्रे कलर में। और यहाँ आपको मिलता है होंडा का लोगो, और साइड में लिखा हुआ होंडा, और यहाँ लिखा हुआ 2.0। और यहाँ आपको इंजन देखिए ब्लैक कलर में मैट फिनिश में किया हुआ कलर। और नीचे में आते हो तो नीचे में आपको दिखने को मिलता है काउल, जो मैरून कलर में किया हुआ काउल
जो कलर देखने में बहुत ही आकर्षक लग रहा आपको मिलता है। और आते हैं इधर आपको आगे तरफ, तो आगे तरफ मिलता है आपको, यहाँ आपको मैट फिनिश में मिलता है। और यहाँ आपको जो कलर किया हुआ आप देख रहे हैं मेरून कलर में, थोड़ा मडगार्ड बिल्ड क्वालिटी बढ़िया, इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा है आप देख रहे हो लुक्स। और नीचे तरफ आते हैं तो यहाँ आपको मिलता है डिश एंड साइड में मिलते हैं आपको, देखिए आपको मिलते सिंगल चैन में मिलता है आपको ABS, और ये मतलब जी वेक्टर आपको साइड में ही आप देख रहे हैं। और यहाँ आपको लिखा हुआ सुहा कंपनी के सोकर जो आप देख रहे हैं, सबसे बेहतरीन मुझे इसका सोकर गाइस बहुत बेस्ट लगा आप देख रहे हैं, गोल्डन कलर का आपको चारों ही बाइक में आपको गोल्डन कलर का सोकर मिलता है, इसको कलर आपको चेंज नहीं मिलता गाइस। और चलो इसको अभी चाबी आप देखते हैं इसका ऑन करके किस तरह सा, यहाँ आपको देखें यहाँ चाबी ऑन कीजिए तो आप देख रहे हैं इसका दोनों लाइट आपको यहाँ पर 1000 लाइट जो स्विच मिलता गाइस, मैं बता रहा हूँ तो ये आपको मिलते हैं 1000 लाइट स्विच जो आप चारों ब्लिंकर को आप जला सकते हैं। आप जैसे इसको आप करें ऑन तो यहाँ आपको चारों देखिए गाइस, चारों आपको जलने को ये कुछ इसका स्विच दिया हुआ है। तो बात करें इसका लुक्स, यहाँ आपको मिलता है हाई बीम लो बीम लुक्स, मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है इसका जो हेडलाइट आप देख रहे हैं लुक्स, इसका जो LED लाइट सबसे बेहतरीन कलर। और यहाँ आपको मिलता है साइड में कलर आप देख रहे हैं मैरून कलर में गाइस, आप देख सकते साइड में मैरून कलर का कुछ डिज़ाइन किया हुआ, सबसे बेस्ट मुझे इसका लग रहा है सोकर आप देख रहे हैं गोल्डन कलर का, इसको बोलते अप साइड डाउन सस्पेंशन जो बेस्ट मुझे लग रहा है, सबसे मुझे अच्छा लगा इसका जो आप देख रहे हैं आपको इसका जो इंडिकेटर चारों आपको इंडिकेटर जलने को लगेगा जब जब स्विच आप उसको ऑन करेंगे तो आपको इसमें मतलब LED लाइट। और यहाँ कुछ यहाँ होंडा लोगो लिखा हुआ है गाइस। और आते साइड तरफ तो हम लोग साइड तरफ से बात करते तो साइड से कुछ इस तरह से इसमें आपको 5 गियर मिल जाता गाइस। और तो सबसे पहले यहाँ आपको मिलता है इंजन स्विच एंड यहाँ आपको मिलता है सेल्फ सिस्टम, तो यहाँ पासिंग लाइट एंड ब्लिंकर जो आप देख सकते हो हॉर्नियाँ मिलता है। और यहाँ आपको मिलता है आपको इंडिकेटर का ब्लिंकर जो आप यहाँ स्विच को आप ऑफ कर दीजिए, और यहाँ आपको मिलता है इंडिकेटर का बटन एंड लुक्स एक नंबर। और सबसे बेस्ट मुझे इसका लगा जो आप देख रहे डिजिटल जो मीटर आपको मिलता है ABS का, आपको इंडिकेटर न्यूट्रल एंड यहाँ आपको मिलता है RPM का, यहाँ आपको मिलता है किलोमीटर ट्रिप एंड यहाँ टाइमिंग सिस्टम हर चीज़ आपको यहाँ आपको दिखने को डिटेल्स मिल जाएगा। और यहाँ साइड में आपको मिलता है इंडिकेटर का लाइट एंड यहाँ भी आपको साइड में मिलता है इंडिकेटर का लाइट, तो फुल्ली आपको डिजिटल मीटर एंड लुक्स में अच्छा लगता है गाइस। और यहाँ आपको हैंडल भी सबसे बेस्ट कलर लग रहा है हैंडल जो आप देख रहे हैं लुक्स एक्स नंबर। यहाँ आपको मिलता है चाबी, आपको दो चाबी मिल जाता है गाइस, आप देख सकते हैं इसका किस तरह से डिजिटल मीटर का, तो फुल आपको डिजिटल मीटर मिलता है एंड और टंकी भी कुछ डिज़ाइन में आपको इस तरह से देखने को मिलता है। तो बात करता हूँ तो साइड में आते तो यहाँ आपको साड़ी गार्ड तो नहीं मिलता, लेकिन ये आपको साड़ी गार्ड के लिए जो गार्ड दिया हुआ अच्छा लगता है। यहाँ आपको 5 गियर मिल जाता है एंड आपको फुटबैक देख रहे हैं, और यहाँ कुछ आपको दिखता है ग्राफिक दिख रहा है गाइस। तो आते हैं पीछे तरफ तो पीछे आपको साइड में आपको पीछे मिल जाता है एक्स तरह का जो आपको पीछे का बैक लाइट आपको LED लाइट एंड इसका सबसे लुक्स मुझे पीछे का बहुत बेहतरीन लग रहा है। इसका टायर जो चौड़ा है ना उसी से आपको बेहतरीन जो आप देख रहे हैं इसका लुक्स। और चारों ब्लिंकर भी आपको मैं जब जला के दिखा देता हूँ इस पीछे का भी आप देख सकते हैं, जैसे चारों ब्लिंकर आपको इंडिकेटर आपको जलने को लग रहा है गाइस। तो आप लोग कमेंट करना ये बाइक आपको कैसा लगा एंड लुक्स। पीछे एक आपको मिलता है मोनोशॉक सस्पेंशन, इसका जो माइलेज आपको 40 से 45 आपको मिलेगा सिटी में माइलेज एंड आपको हाईवे में 50 तक मिल जाएगा गाइस, क्योंकि जो इसका पावर है इसका जो पावर मुझे थोड़ा बहुत कम लगा, इसका जो पावर मुझे बहुत ही कम मिला क्योंकि 17 BHP मतलब यार एक नॉर्मल जो 150 CC बाइक में आपको मिलता है इसमें 17.BHP है। तो यही है दोस्तों मैं आपको दिखाया लुक्स में और कलर में, आप लोग कमेंट करना कि ये बाइक आपको कैसा लगा। और मैं बात करते इसका जमशेदपुर का ऑन रोड क्या कीमत है, अभी भैया से बात करते आप एक बार देख लीजिए पूरा कलर आप देख लीजिए और साइड से लुक्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये कुछ आपको इधर से साइड से लुक आपको दिख रहा है, सबसे बेहतरीन मुझे इसका कलर अच्छा लग रहा गोल्डन कलर का सोकर जो ये मुझे बहुत ही देखने में आपको आकर्षक लग रहा है और मुझे बहुत बेहतरीन लग रहा है। और यहाँ आपको मिलता लाइटिंग आप देख रहे हैं इसका पासिंग लाइट में आपको जला के दिखा रहा हूँ। तो सॉरी गाइस अभी इसको स्टार्ट करना पड़ेगा तो मैं स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ। तो चलो बात करते हैं इसका ऑन रोड क्या कीमत है। लुक्स में आप देख लिए, मैं आपको चारों कलर में से आप लोग कॉमेंट करना आपको कौन सा कलर अच्छा लगा एंड तो साइड तरफ से एक बार बात कर लेते हैं, इधर से एक बार साइड से मैं आपको लुक दिखा देता हूं। आप मिलते हैं हमारे आपका टायर जो आगे का टायर आप 170 का टायर है
तो यही है कुछ आपको डिजाइन में चारों कलर का, ये बेस्ट मुझे लगा कलर। और एक कलर ब्लू कलर मुझे बहुत बेहतरीन लगा, 2.0 199 cc इसको बोलते हैं। इसका जो कंपेयर है आपको मिलता है TVS 200 मतलब अपाची पल्सर NS डुक 200 का आपको मिलता है कंपेयर के साथ। तो चलो बात करते हैं इसका ऑन रोड क्या कीमत है। तो गाइस अभी हम लोग बात करते हैं इस बाइक का ऑन रोड क्या कीमत है। जमशेदपुर का मैं बता रहा हूँ, ऑन रोड हमारे झारखंड का 1,46,000 रुपये इसका ऑन रोड कीमत है जमशेदपुर का। जिस किसी को भी लेना है ये बाइक अभी डुओ होंडा शोरूम में है गाइस, जो हमारे सांची में ये शोरूम है डुओ होंडा। तो यही है दोस्तों, मैं आपको दिखा दिया। एंड वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो। यार क्या तुम लोग कर रहे हैं यार, जल्दी से जल्दी 20,000 कर दो यार। 20,000 अगर कर देंगे तो मैं DSLR लूँगा, DSLR से मैं वीडियो बनाऊँगा और मैं आपको वीडियो क्वालिटी और अच्छा में दूँगा गाइस। तो कम से कम जल्दी करवा दो 20,000 सब्सक्राइब गाइस। तो चलो चलते हैं, जय हिंद जय भारत।